सर्दियों में ग्लिसरीन में ये दो चीजें मिलाकर लगाने से स्किन दूध जैसी गोरी और बहुत ही मुलायम हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स हिंदी। तो सर्दी आ चुकी है और वेदर काफी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से काफी लोगों को फीवर कोल्ड ज्यादा हो रहा है। तो आप अपना ख्याल रखें, फुल स्लीव्स कपड़े पहने, इससे आपकी स्किन भी सर्दियों में धूप से काली नहीं पड़ेगी। और स्किन की बात करें तो सर्दियों में स्किन काफी काली पड़ने लग जाती है, सूखी हो जाती है और स्किन का ग्लो भी गायब हो जाता है। तो आज इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर मैं आपके साथ एक सिंपल सा सलूशन शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप सर्दियों में अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हो और इसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम यहाँ पर लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए इतनी अच्छी होती है, इतनी लाइट वेट होती है। जब हम अपनी स्किन पर इसको लगाते हैं तो आपको कभी भी फील नहीं होगा कि आपने कुछ लगा रखा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्लिसरीन सिर्फ सर्दियों में यूज करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ग्लिसरीन एंटी एजिंग क्वालिटीज होती है और ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हमारी स्किन पर धूप से हुई टैनिंग को हटाता है। और अगर आप इसको लगाते हो सर्दियों में गर्मियों में तो आपको टैनिंग नहीं होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ग्लिसरीन ली थी और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है गुलाब जल। वैसे तो रोज वाटर आप कभी भी लगा सकते हो, गर्मियों में सर्दियों में टोनर के तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या आपके स्किन को टोन रखता है। सर्दियों में इसको यूज करने से काफी फायदा होता है, आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है, स्किन को अंदर से नरिश करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और नमी को लॉक करता है, जिससे सर्दियों में भी आपकी स्किन खिली हुई रहती है, काली नहीं पड़ती है। जो मैंने यहाँ पर रोज वाटर इस्तेमाल किया है, इसको मैं टोनर के तरीके से भी अपनी स्किन पर स्प्रे करके लगाती हूँ। ये सिंगल भी काफी रिफ्रेशिंग होता है, आपकी स्किन को रिफ्रेशिंग कर देता है। इसी को मैंने 2 चम्मच ग्लिसरीन में ऐड कर लिया है, क्योंकि गुलाब जल काफी लिक्विड होता है और ग्लिसरीन थोड़ा भारी होता है, तो आपका ग्लिसरीन जो है वो नीचे बैठ जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से मिला लो। वैसे तो आपने कई जगह देखा भी होगा और सुना भी होगा, कई लोग इसका इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, गुलाब जल और ग्लिसरीन आप सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत इफेक्टिव होता है और आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है एंड स्किन को टोन भी रखता है। सर्दियों में स्पेशली स्किन की ड्राइनेस को दूर करने के लिए सिंपली भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको स्ट्रांग बनाना चाहते हो और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप इसमें ऐड कर लो थोड़ा सा नींबू। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, नींबू से इनको एलर्जी हो जाती है, तो आप खाली रोज वाटर और ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू ऐड करने का रीजन ये है क्योंकि नींबू हमारे स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है, जस्ट बिकॉज नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारे स्किन पर परमानेंट निखार लाता है। चाहे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो भी आपकी स्किन को ये रिपेयर करता है, स्किन के रूखेपन को कम करता है, इससे सर्दियों में होने वाले दाग धब्बे कम हो जाते हैं, स्किन सर्दियों में भी काफी क्लीन रहती है, स्पॉटलेस रहती है और स्किन पर धूप से कालापन नहीं रहता है। और नींबू गुलाब जल ग्लिसरीन के साथ मिलाकर लगाने से स्किन का कलर भी लाइट होता है, यानी स्किन लाइटिंग में काफी इफेक्ट करता है, हेल्प करता है। थोड़ा सा नींबू का रस डालने के बाद आप इसको मिला लो। मिलाने के बाद हमारा विंटर सॉल्यूशन रेडी है। जब भी आपको लगता है कि आपकी स्किन पर, हाथों पर या पैरों पर ड्राइनेस हो रही है या आपकी स्किन काफी रूखी पड़ रही है, डल दिख रही है, तो आपको दिन में 2 बार इसको यूज करना है। एक तो आप इसको रात में लगाओगे, दूसरा आप इसको मॉर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हो। सॉल्यूशन को लेकर अपने हाथों पैरों पर या चेहरे पर आपको अच्छे से मसाज करनी है। ये इतना लाइट है कि आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगा रखा है। जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हो आपकी स्किन चिपचिपी हो जाती है, इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगेगी एंड इतना लाइट है कि आपकी स्किन के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इस सॉल्यूशन को अगर आप सर्दियों में रोज इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन बहुत ही फेयर हो जाएगी, या आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, इससे आपकी स्किन काफी मुलायम हो जाएगी। बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, आपको कोई भी महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप इसको बनाकर ट्राई करो और पूरे विंटर सीजन इसका इस्तेमाल करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो और इसी तरीके अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।